नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी 2023-24 के अंतर्गत 3-3 नया नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर आप एक योग्य लाभार्थी है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं या दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत क्या क्या 3 नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे आप सभी लोगों को जल्द से जल्द पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन होना शुरू हो चुका है, जो कि दोस्तों 2022-23 के अंतर्गत सिर्फ दोस्तों ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो कि दोस्तों अपने ही नगर पालिका पर दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहां पर जाकर दोस्तों आप ऑफलाइन या दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2023-24 के अंतर्गत। ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया है। और दोस्तों, जो बजट को लेकर, इसमें दोस्तों बजट को लेकर एक बड़ी फैसला कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। और जिसमें दोस्तों आप लोग लोन लेके दोस्तों आप लोग घर बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग 3 लाख तक लोन भी ले सकते हैं। ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें आप लोग लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आप लोग 3 लाख तक लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं और आपका पैसा पेंडिंग में है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। जिन सभी लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग में है, उन सभी लाभार्थियों का पैसा रिलीज कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। आप सभी लोगों का पैसा भी दिया जाएगा, जो कि दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से दोस्तों आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कब तक दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3 नया नियम लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है, आइए फटाफट जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुका है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों आपने ही पंचायत कार्यालय पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। ऑफलाइन आवेदन को बंद कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सरकारी अधिकारी आ रहा है और वहाँ पर दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते ही आपका पोर्टल पर नाम को ऐड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नाम को ऐड किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 1 करोड़ आवास का लक्ष्य है, जिसे दोस्तों जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आपको 3 महीने के अंतर्गत दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों, जो बजट को लेकर एक बड़ी फैसला कर दिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, जिसमें दोस्तों 5 राज्य के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 50,000 अतिरिक्त दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। ग्रामीण के लिए दोस्तों 1,90,000 आप लोगों को दिया जा रहा है 5 राज्य के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों ये 5 राज्य शामिल है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये दोस्तों 5 राज्य शामिल हो चुका है, जिनमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। आप सभी लोगों को दोस्तों 1,90,000 दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। और दोस्तों, ग्रामीण के लिए जो आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग में था, जिसमें दोस्तों पहली किस्त है, चाहे दोस्तों दूसरी किस्त या दोस्तों तीसरी किस्त, सभी का पैसा रिलीज कर दिया गया है। अब दोस्तों आज के डेट में, आज दोपहर 12 बजे से सभी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत घोषणा कर
कर दिया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत ये तीन तीन नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे आप सभी लोगों को जल्द से जल्द पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चल गया है कि क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।